अब हम चौथा पॉइंट लेके चलते हैं, बर्डन ऑन सैलरीज। बर्डन ऑन सैलरीज क्या है? बर्डन ऑन सैलरीज ये है कि जब अच्छा टाइम होता है कॉर्पोरेट, प्रॉफिट हो रहा होता है, कॉर्पोरेट अच्छे से दौड़ रहे होते हैं, अच्छी सेल हो रही होती है, तो इंक्रीमेंट होते हैं हमारे, राइट। मान लो आपके जो इंक्रीमेंट है वो नॉर्मल, आपने अच्छा परफॉर्म किया, आपका इंक्रीमेंट 20% हो गया और आपकी सैलरी 2 लाख है, तो आपकी सैलरी 2,40,000 रुपये हो। लेकिन आपको मालूम है आपने परफॉर्मेंस अच्छा दिया है, तो आप उस लेवल पे जाके बॉस से बात करते हैं। ये एक ऐसी पोजीशन होती है जहां रीनिगोशिएशन होता है। उस रीनिगोशिएशन में हम कुशन ले लेते हैं, विच इज कॉल्ड डेल्टा, और वो कुशन 2% से लेके 5% कुछ का भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर रिलेशनशिप बॉस विद योर परफॉर्मेंस। ऐसे बहुत सारे हमारे साइन वेव के अपवर्ड कर्व आते हैं जिनमें आपने वो डेल्टा का फायदा उठाया होता है, और उस डेल्टा के फायदे की वजह से आपकी सैलरी जो एक्चुअल में होनी चाहिए थी उससे ऊपर चली जाती है। और ऐसे कंडीशन पे जैसे COVID-19 की भी पोजीशन है, कोरोना की वजह से मार्केट्स आर रियली इन पैथेटिक फॉर्म, तो उसमें क्या हो रहा है, जो ये ओवरबर्डन सैलरीज हैं इनकी वजह से आप सबसे पहले हिट लिस्ट में आओगे। और इसमें दूसरा हमने गलती की होती है कि हम वो ओवर बर्डन सैलरीज को या तो अपनी सेविंग्स में डाल देते हैं या हम उसको एंटरटेनमेंट में खर्च कर देते हैं। हम कहते हैं नहीं नहीं ये हमारी, हम मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं, साइकोलॉजिकली प्रिपेयर हो जाते हैं, हमारी सैलरी है ही एक्चुअल में, लेकिन वो नहीं होती वैसे। हमें क्या करना चाहिए था, हमें उस सैलरी को ऐसी जगह यूज करना चाहिए था जो आपको आपकी नॉलेज बढ़ा सके, कुछ कोर्सेज कर सकते थे आप, कुछ अपने टैलेंट ऐड कर सकते थे एक्स्ट्रा, दैट शुड हैपन। अगर वो नहीं हुआ तो डेफिनेटली देयर विल बी अ कियोस व्हिच वी आर सफरिंग। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पॉइंट नंबर 4। अब आते हैं पॉइंट नंबर 5 पे। कभी कभी क्या होता है, बॉस ने आपको सारे पक्स एवरीथिंग इज फाइन बट काम देना बंद कर दिया, आपको इंपॉर्टेंट रोल से हटा दिया, और हम वहां थोड़ी सी मिस्टेक करते हैं इगोइस्टली, अरे क्या हो गया, अपनी तो सैलरी उतनी है, अपन तो एंजॉय कर रहे हैं, आराम से काम कर रहे हैं, काम ही नहीं है अपने पास, फ्री में सैलरी मिल रही है। वो सबसे बड़ा ब्लंडर है, यू आर बिकमिंग मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो। तो आप समझ लो कि बहुत जल्दी वो मिनिस्टर की उपाधि भी जाने वाली है। आपको इमीडिएटली अपने अंदर चेंज करना चाहिए, जाके बॉस से बात करनी चाहिए और बॉस को बोलना भी चाहिए, सर आई नीड सम गुड वर्क, आई कैन परफॉर्म। अगर आपने ऐसा नहीं किया होगा डेफिनेटली आज आप COVID-19 का जॉब प्रोस्पेक्टिव से शिकार हो गए, राइट। कभी कभी ये गलतियां हम कर लेते हैं, छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो ये टफ टाइम में हमें बहुत ज्यादा पेन देती है, तो हमें मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो नहीं बनना, राइट। अब आते हैं हम टीम, हमारे ऊपर भी टीम होती है, नीचे भी टीम होती है। जो नीचे की टीम है वहां हमें कैसे लोग चूज करने चाहिए, यूजली हमें अपने से 1% इंटेलिजेंट लोग चूज करने चाहिए या सेम लेवल के, सो दैट दे कैन हेल्प यू टू ग्रो। वो आपको पुश करें, आप थोड़ा ऊपर जाओ, उनको वो पोजिशन मिले। पर हम कई बार मिस्टेक कर लेते हैं, हम ऐसे लोगों को चूज कर लेते हैं और हमें दिख भी रहे होते हैं, लेकिन अगेन वो बिल्ली वाली और कबूतर वाली कहानी याद करना, हम बंद कर देते हैं उसे। वो लोग क्या है, टाइम पे चेंज हो जाते हैं, 1 मिनट में चेंज होते हैं, पलटी मारना बोलते हैं ना कॉर्पोरेट में, वो जल्दी से पलटी मार देते हैं। और ऐसे लोग कभी भी ऐसे वाली सिचुएशन पे आपको इतना पुश करेंगे कि आप बाहर हो जाओ, क्योंकि उनकी सैलरीज कम होती हैं और कम सैलरी में वो सेम काम करना चाहते हैं जो काम आप कर रहे थे। तो हमें अपने टीम को हमेशा सिलेक्ट करने 3 चीजें बड़े ध्यान से देखनी चाहिए, टैलेंट, ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट, बहुत जरूरी है। कभी कभी हम हाथ खाते हैं उसके ऊपर, क्योंकि हमारा ध्यान कभी आइस ऑन केक पे ज्यादा चला जाता है कि ऊपर हमें कितना इसको केक को अच्छा सजा रखा है, आइसिंग अच्छी कर रखी है, राइट, बटरिंग जिसको बोलते हैं। एंड 7th पॉइंट,
कहीं आप डेडवुड तो नहीं हो गए? डेडवुड मींस यू हैव टू चेक योर जर्नी. आप जब तक अपनी पोजीशन चेंज नहीं करोगे, अपना काम चेंज नहीं करोगे, तब तक आपकी नॉलेज नहीं आएगी. ठीक है, ये बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी चेंज फॉलो करती हैं. इवन आर्मी के अंदर भी चेंजेस करते रहते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है रोटेशनल होना चाहिए काम. तो जो तीन तरह की मैनेजमेंट यूजली कॉर्पोरेट में होती है, जूनियर, मिडल और सीनियर. अगर आप जूनियर मैनेजमेंट में हैं तो लगभग 3 साल के आसपास प्लस माइनस 2-3 महीने आपका टाइम स्पैन होना चाहिए. एक अगर वो 3 से 5-6-7 साल चला गया तो वो आप हो बस वहां पे. ठीक है, उनको लग रहा है ये कहीं जाएगा नहीं, हाँ, तो आपको प्रॉपर ग्रोथ मिलेगी और आप अपना टैलेंट. ऐसा हुआ है आप नोट करिए आपके साथ. ये 7 पॉइंट्स में कुछ ना कुछ हुआ होगा तभी जॉब गई. अगर आप मिडिल लेवल की मैनेजमेंट में हैं, देन डेफिनेटली यू शुड स्टे देयर 5 to 6 ईयर मिनिमम. और इसमें प्लस माइनस 5 साल मिनिमम हो गया, 6 साल मैक्सिमम हो गया, प्लस माइनस 2-3 महीने कर सकते हो. और अगर आप सीनियर मैनेजमेंट में हैं तो क्या करना चाहिए? टाइम बढ़ेगा नहीं, कम हो जाएगा. बिकॉज व्हेन यू आर सिटिंग ऑन ए सीनियर मैनेजमेंट, आपके पास बहुत सारे लोग होते हैं, यू कैन ड्राइव दैट. 3 से 4 साल मैक्सिमम आपको एक पोजिशन को एंजॉय करना चाहिए. देन यू शिफ्ट योर सेल्फ टू द अनदर कंपनी और अनदर पोजिशन, और या वहां पे भी आपको प्रमोशन मिले, बहुत बढ़िया. लेकिन अगर सेम सब कुछ सेम आप काम 3 से 4 साल चल रहे हैं और सिर्फ सैलरी बढ़ रही है हर साल, तो आप डेडवुड हो जाओगे. तो ये सारे काम अगर 7 जो पैरामीटर हैं हुए हैं आपके साथ और आपने ध्यान नहीं दिया तो प्रॉब्लम है. इसी वजह से आज आप ये दिन देख रहे हैं, या गलती से आपको लग रहा है कि मेरी जॉब जा सकती है. दोनों लोग